वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा और आज न्यूज चक्र में दो मुद्दे आपके सामने। गुजरात में बड़ा पुल हादसा और भारतीय जनता पार्टी को बचाने का मीडिया का शर्मनाक खेल शुरू हो चुका है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरा मुद्दा हमारा, मगर उन पर बीजेपी का अश्लील हमला जारी है। शुरुआत हम करना चाहेंगे गुजरात के मोरबी के बड़े पुल हादसे से। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अजंता वॉल क्लॉक का एक ग्रुप है, एक ट्रस्ट है जिसका नाम है ओरिवा ट्रस्ट। ओरिवा ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी इसकी मरम्मत की, इस पुल की मरम्मत की। 26 अक्टूबर को यह पुल शुरू होता है, मगर देखिए कुछ ही दिनों में पुल किस तरह से गिर गया। यह अपने आप में कितना शॉकिंग नजारा है। पुल आधा टूटा हुआ है और लोग उससे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों। मगर आप जानते हैं मीडिया ने अपना खेल शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के जोशी जी का फोन पहुंच चुका है सभी संपादकों को और भाजपा को बचाने का खेल शुरू हो गया है। मगर भाजपा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं बच सकती इस मुद्दे पर जवाबदेही से, जब तक मेरे जैसे पत्रकार न्यूज क्लिक जैसे मंच हैं उन पर सवाल करने के लिए। आज मैं आपके सामने कई सवाल रखने वाला हूं दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको 20 सेकंड का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। 80 के दशक में एक फिल्म आई थी जाने भी दो यारों। इस फिल्म के अंदर एक सीन है, मुंबई के अंदर 13 करोड़ का एक पुल गिर जाता है भ्रष्टाचार की वजह से, और उस पुल को बनाने की जिम्मेदारी जिस बिजनेसमैन को दी गई थी और इस फिल्म में किरदार निभा रहे हैं पंकज कपूर, तो वो बिजनेसमैन कहते हैं ये तो साजिश है, पता लगाइए किसने ये साजिश की। और जो मीडिया में जो बंदा उनसे इंटरव्यू कर रहा होता है वो भी नतमस्तक होकर कहता है कि आपसे सवाल कौन पूछ सकता है। मैं चाहूंगा आप 20 सेकंड का वो क्लिप देखिए और ये मैं आपको बतलाने वाला हूं कि गुजरात में हूबहू यही हो रहा है आज की तारीख में। देखिए क्लिप, करीब 20 सेकंड का है। अगर मेरे मटेरियल में कुछ खराबी होती तो मुंबई की बहुत सी बिल्डिंग्स अब तक गिर चुकी होती। आप पर कौन शक कर सकता है, फिर भी सवाल तो जवाब तुम भी जानते हो मेरे दोस्त, बस सोचो। सर यस, ये पुल गिरा नहीं है, गिरा आ गया है। दिस इज अ वर्क ऑफ सैबोटेज, यू सी, ये साजिश है। तो मुझे बदनाम करना चाहता है, ब्लैकलिस्ट करवाना चाहता है। आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वर्क ऑफ सैबोटेज। देखा आपने, अब मौजूदा दौर में क्या हो रहा है मैं आपको बतलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र ये कह रहा है कि पुल को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। इनकी महिला मोर्चा की एक नेता हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है, इसके अंदर ये दावा कर रही हैं इस वीडियो को दिखाकर कि देखिए कुछ युवा जो हैं उस पुल को हिला रहे थे और उसके बाद वो पुल टूट कर गिर गया। सबसे पहली बात दोस्तों, ये वीडियो जिसका हवाला दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र द्वारा, ये बहुत पुराना वीडियो है, कल का वीडियो बिल्कुल नहीं है, झूठ नंबर एक। मुद्दा नंबर दो, क्या ये पुल इतना कमजोर था कि 3-4 युवा इसे हिला दें उससे वो गिर जाए? मगर क्या आप जानते हैं जिस ओरिवा ट्रस्ट के पास इस मोरबी पुल की मरम्मत करने की जिम्मेदारी थी उन्हें सरकार को एक फिटनेस सर्टिफिकेट देना चाहिए था, ऐसा उन्होंने नहीं किया। यहां पर सवाल सिर्फ उस ट्रस्ट को नहीं है जिसके पास जिम्मेदारी थी उसकी मरम्मत करने की, सवाल सरकार से भी है। और वो सवाल क्या है कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट लिए आपने उसे क्यों ले लिया, उस पुल को क्यों खोल दिया? क्योंकि उस पुल को खोलने की जिम्मेदारी सरकार थी। मगर आज मैं आपके सामने कोई और तथ्य रखना चाहता हूं। भाजपा का प्रचार तंत्र यह कह रहा है कि साजिश रची जा रही थी और कुछ लोग पुल को हिला रहे थे। अब मैं आपको दो और वीडियो दिखाता हूं, एक साल पुराने ये दो वीडियो। पहले तो ये वीडियो देखिए, दूर से देखिएगा लोग पुल को हिला रहे हैं, ये करीब एक साल पहले का वीडियो है। अब एक और व्लॉगर का वीडियो देखिए, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ जाता है और वो पुल को हिला रहा है। ये वीडियो एक साल पहले से यूट्यूब पर मौजूद हैं। तो भाजपा से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस पुल को तोड़ने की तैयारी पिछले एक साल से चल रही थी?
और जो लोग ये साजिश रच रहे थे वो लोग उसका वीडियो लेकर YouTube पर डाल रहे थे। तो क्या गुजरात पुलिस सो रही थी? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। मोरबी में इस पुल को जाना जाता है गुजरात नू झूलतो पुल के नाम से, यानी कि गुजरात का झूलता पुल। लोग जो इस पुल पर जाते हैं वो लोग इसे हिलाते हैं ताकि रोमांच आए, थ्रिल आए, तो लोग इस पुल को हिलाते रहे। मगर ऐसी क्या मरम्मत की थी ओरिवा ट्रस्ट ने कि पहली बार में ही इस तरह से पुल ढह गया, पुल टूट गया, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस तरह से अपनी कमियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खेल खेलती है। इसलिए मैंने आपको जाने भी दो यारों का यह क्लिप दिखाया था, 80 के दशक की यह फिल्म। मगर आज जो गुजरात में हो रहा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आप यह हरकत कर रहे हैं। आखिर क्यों? मगर आप जानते हैं सबसे शॉकिंग है मीडिया का किरदार। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया किस तरह से मीडिया और बीजेपी एक साझेदारी कर रहे हैं ताकि मोरबी की घटना से भाजपा को बचाया जा सके। आपके स्क्रीन पर इंडिया टुडे का एक कार्यक्रम देखिए दोस्तों, आज तक का एक कार्यक्रम देखिए। भारतीय जनता पार्टी की नेता ने जिस वीडियो को गलत कॉन्टेक्स्ट के साथ भ्रामक अंदाज में पेश किया, इंडिया टुडे उस पर कार्यक्रम कर रहा है। और सबसे शॉकिंग यह वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इनका एक रिपोर्टर है जिसका नाम समीर है, वो रिपोर्टर यह बता रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी साजिश का दावा कर रही है। तब एंकर खुद उस रिपोर्टर से कहती है कि मगर यह वीडियो पुराना है समीर। और फिर उनकी एक और रिपोर्टर आती है गोपी गांगर, और गोपी कहती है नहीं नहीं यह पुराना वीडियो है। मैं ये समझना चाहता हूं कि इन न्यूज चैनल्स के पेरोल्स पर ऐसे पत्रकार क्यों हैं जो बीजेपी के झूठे वीडियो का प्रचार करते हैं। और आप जानते हैं जिस वीडियो को बीजेपी वायरल कर रही है ये कहकर कि ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि साजिश रची गई, इसी वीडियो को कई चैनल्स चला रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात, एनडीटीवी भी चला रहा था। यह बात अलग है कि एनडीटीवी ने उसे बाद में डिलीट कर दिया। भाजपा के नेताओं का अहंकार देखिए। वहां के गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी, इनके ट्विटर टाइमलाइन पर जाइए, इनमें और बीजेपी के ट्रोल में कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ट्रोल करते रहते हैं। मगर जब एनडीटीवी की तनुश्री पांडे उनसे सवाल पूछ रही थी तो इन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल यह पूछा जा रहा था कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के आखिर आपने इस पुल को क्यों खोल दिया, हर्ष सांघवी के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं, एक भी सवाल का जवाब नहीं। तनुश्री पांडे इन करारे और पैने सवाल पूछने की बधाई की हकदार हैं, मगर हर बार की तरह बाकी मीडिया उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। है ना शर्म की बात। ऊपर से उनके झूठे वीडियो को भ्रामक जानकारी के साथ उसका प्रचार किया जा रहा है। और मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। आज जयंती भी है सरदार पटेल की। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड को सलामी दी। मैं एक बात समझना चाहता हूं, कांग्रेस ने अपनी तमाम चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है, क्या प्रधानमंत्री को यहां भाषण देना जरूरी था? चलिए आपने परेड की सलामी ले ली, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके लिए ढेरों पैसा लगता है। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लंबा चौड़ा भाषण भी देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, भाषण में शुरुआत में आप मोरबी की जनता के साथ सहानुभूति जतलाते हैं, तो क्या सहानुभूति जतलाने के लिए यह कैप पहननी जरूरी थी, यह टोपी पहननी जरूरी थी आपके लिए? अगर आप सीरियस हैं लोगों के लिए तो यह टोपी पहनने की क्या जरूरत थी? मैं चाहूंगा आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुने कि किस तरह से वो अपनी हमदर्दी जतला रहे हैं इस घटना के लिए। सुनिए। ईटानगर में हूं पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में
बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। प्रधानमंत्री से मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की क्या जरूरत थी? आपने जब यह बात कह दी उसके बाद आप खामोश हो जाते, क्योंकि हकीकत यह है प्रधानमंत्री, आप हर मौके को चुनावी रैली में बदल देना चाहते हैं। हम भूल गए राष्ट्रीय खेलों में क्या हुआ था? राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स, देश के खेल, मगर उसके अंदर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि एक गुजराती होने के नाते अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। यानी कि उस मौके का भी इस्तेमाल इन्होंने किया राजनीति के लिए। आज आपको आपके तमाम भाषणों पर लगाम लगानी चाहिए थी, आपको मंच पर आकर सहानुभूति जतलानी चाहिए थी और खामोश हो जाते आप, मगर आप खामोश नहीं हुए। मुझे याद आता है पश्चिम बंगाल का चुनाव। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी तमाम रैलियां रद्द कर दी थी। ममता बनर्जी ने भी कहा कि 8 चरणों में चुनाव मत कराइए, 3 चरणों में चुनाव कराइए, क्योंकि कोरोना लगातार फैल रहा था। मगर प्रधानमंत्री लगातार रैली कर रहे थे, रैली के अंदर जाके बोल रहे थे दे दे ओ दे दे, और यह भी कह रहे थे कि मेरी नजर जहां तक जा रही है मुझे भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के दौरान भी आपने रैलियां रद्द नहीं की थी। 8 चरणों का चुनाव होता रहा कायदे से, जब देश में कोरोना फैल रहा था, तो आपको 8 चरणों के चुनाव को 2 या 3 में कर देना चाहिए था, मगर राजनीतिक वजह से आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको चंद वोट्स हासिल करने थे। और आज केवड़िया में भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आपने भाषण दिया, जबकि आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी चुनावी रैली रद्द कर दी है। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आखिर क्यों? और उससे बड़ा सवाल, आपका प्रचार तंत्र झूठ क्यों बोलता है? आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई है दोस्तों जो अपनी जवाबदेही से बचने के लिए जनता से झूठ बोलती है। मुझे बताइए ना, सरकारें काम नहीं करती हैं, मैं मानता हूं पिछले 70 साल का ऐसा इतिहास है, मगर इस तरह से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ का सहारा। और जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के जोशी जी का फरमान अब तक न्यूज चैनल्स तक पहुंच गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज प्राइम टाइम में या तो न्यूज चैनल्स मोरबी पर डिबेट नहीं करेंगे या फिर उसका दोष कहीं ना कहीं अदृश्य साजिशों पर दिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय साजिश पर दिया जाएगा, जैसे कि हमने जानी भी तो यारों के उस क्लिप में देखा। वाकई शर्मनाक बात है। और आज जो दूसरा मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं वह है राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि जब से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तब से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उन पर अश्लील हमले कर रहा है। कल उनकी यह तस्वीर दिखाई दी, राहुल गांधी उनके हाथ पकड़े हुए थे, मगर भाजपा के प्रचार तंत्र ने इस तस्वीर पर भी अश्लील हमला बोलना शुरू कर दिया है। इनकी पार्टी की वही नेता जो कि मोरबी के बारे में फेक वीडियो जो है या भ्रामक वीडियो का प्रचार प्रसार कर रही थी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने परदादा यानी कि नेहरू के पद चिन्हों पर। आप जानते हैं कि आरएसएस ने हमेशा नेहरू जी, पंडित नेहरू और महिलाओं के बारे में बहुत अश्लील और दुष्प्रचार किया है। यहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की ये नेता यही कहने का प्रयास कर रही है। अब जब उन्होंने ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं गिरने वाली थी और राहुल गांधी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसी वक्त का ये फोटो लिया गया है। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी ने प्रीत कौर का हाथ भी पकड़ा तो क्या प्रीत कौर ने कोई आपत्ति दर्ज की? नहीं की ना। भारतीय जनता पार्टी तो राम रहीम जो कि एक बलात्कारी और हत्यारा है
उसके सामने जाके आप लोग दरबार लगाते हैं, उनके सामने आप नतमस्तक होते हैं। यह तस्वीर भूल गई भाजपा राम रहीम की, आपके जो तमाम पार्टी के नेता इनके सामने सिर झुकाते हैं। और राहुल गांधी ने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया, उसको लेकर अश्लील प्रचार किया जा रहा है, लगातार ऐसा हो रहा है। दोस्तों आपको याद होगा, एक मुस्लिम लड़की, एक छोटी सी मुस्लिम लड़की का हाथ पकड़कर राहुल चल रहे थे, संबित पात्रा ने उस पर भी अश्लील टिप्पणी की। फिर आपको याद होगा राहुल गांधी अपनी भांजी की मेहंदी को देख रहे थे, उस पर भी तमिलनाडु के एक बीजेपी के नेता सीटी निर्मल कुमार ने वाहियात और अश्लील टिप्पणी की। ऐसी ढेरों तस्वीरें आ रही हैं जहां राहुल बुजुर्ग महिलाओं से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। और फिर हां, उनकी ये दौड़ की तस्वीर देखिए दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी इस दौड़ से बौखला गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से बौखला गई है कि आम इंसान, चाहे बुजुर्ग महिला हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, लड़कियां हो, जिनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं एक स्वाभाविक अंदाज में, क्या बीजेपी इन तस्वीरों से इस कदर बौखला गई है कि वो अश्लील टिप्पणी कर रही है? यह सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि शालीनता की तमाम हदों को बीजेपी पार कर रही है, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।